बिहार में मगध यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट के साथ में परीक्षाओं की शुरुआत कर दी है और इसके अलावा मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति ने भी अपने कार्यकाल में एक साल पूरे कर लिए हैं। पिछले एक साल के उनके अनुभव और कोविड के इस दौर में कैसे बच्चों की पढ़ाई परीक्षा रिजल्ट बाधित ना हो, इसके लिए हमारे विशेष संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने कुलपति से खास बातचीत की है, सुनिए। बात करने के लिए है मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद। इनके कार्यकाल का मगध यूनिवर्सिटी में एक साल पूरा हो चुका है, तो हम लोग इसको लेकर के इनसे सवाल पूछेंगे कि एक साल में किस तरह का परिवर्तन मगध यूनिवर्सिटी में हुआ है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद सर। एक साल पूरा हो चुका है आपके कार्यकाल का, अभी जस्ट पूरा हुआ है, कल ही पूरा हुआ है, तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि किस तरह का परिवर्तन आपके आने के बाद, एक साल में आपने क्या क्या देखा मगध यूनिवर्सिटी में और क्या परिवर्तन हुए आपकी तरफ से? मगध विश्वविद्यालय बिहार का एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है और ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में यहाँ पठन पाठन और शोध कार्य होता रहा है। यहाँ आने के बाद मैंने इस दृष्टि से बहुआयामी प्रयास किए हैं और वो प्रयास दृष्टिगत हो रहा है। इस बीच बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप कोविड-19 के संकट और महामारी के कारण हमने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ही ऑनलाइन एजुकेशन का प्रबंध किया और परीक्षाओं को संचालित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। साथ ही साथ शोध इस विश्वविद्यालय में गति पकड़ सके, इसके लिए पैट या प्री एडमिशन टेस्ट जो अभी हाल में ही संपन्न हुआ है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी 10 दिन के अंदर ही हम पैट का रिजल्ट घोषित करेंगे। आज जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ है सर, इसकी बात हो रही है, तो इसका कब तक उम्मीद करें? ये तो बिहार में मेरे हिसाब से किसी यूनिवर्सिटी में पहली बार किसी में आज एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, इसका रिजल्ट और कोर्स वर्क कब तक स्टार्ट होगा? मेरा इस संदर्भ में अनुवाद है कि जिस तरह से हमने आज प्री एडमिशन टेस्ट संपन्न कराए हैं, उसी त्वरण से बहुत शीघ्र 10 दिन के अंदर निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, जिससे आगे जो प्रक्रिया है ऑर्डिनेंस के अनुसार पूरी की जा सके और विद्यार्थियों में कोई निराशा और चिंता का अनुभव न हो और वे अपने अपने विभागों में एडमिशन पा करके शोध कार्य के लिए जो है प्रयास कर सके। कोरोना का सर बहुत कठिन समय अभी चल रहा है पूरे, ना सिर्फ बिहार के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट किसी चीज पर हुआ है तो सबसे ज्यादा एजुकेशन पर इफेक्ट पड़ा है, सबसे ज्यादा पड़ा है। तो ये जो एक साल का ये मार्च से जो दौर सर शुरू हुआ है, कोरोना का जो दौर शुरू हुआ है, तो किस तरह से सर एडजस्टमेंट किया गया है ताकि पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो और शिक्षकों और बच्चों के बीच में अच्छा, मतलब दोनों के बीच में अच्छा संबंध हो ताकि पढ़ाई हो सके, इसको लेकर के आपने क्या क्या आपकी तरफ से कदम उठाया? मगध विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए राजभवन के निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए पीजी और यूजी दोनों स्तरों पर पठन पाठन सुचारू रूप से कराया जा रहा है और ई कंटेंट्स विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और राजभवन की वेबसाइट पर भेजा जा रहा है, जिससे जो सुदूर ग्रामीण अंचल में विद्यार्थी हैं वे भी उस ई मटेरियल का, ई कंटेंट्स जो उनके विषय और पाठ्यक्रम से संबंधित है, उसको वह डाउनलोड करके अपने विषय की तैयारी कर सके। और बहुत जल्द मेरा प्रयास है कि जो पेंडिंग परीक्षाएं हैं, जो छुट्टी हुई परीक्षाएं हैं या लंबित परीक्षाएं हैं और ड्यू परीक्षाएं हैं, उनको संपन्न करा करके सत्र नियमित किया जाए
अगर यूजीसी की गाइडलाइंस, जिसके लिए एक विनियम राजभवन के निर्देश पर कुलपतियों की समिति ने बनाया है, जिसका एक सदस्य मैं भी था, उसके अनुपालन में कोई प्रक्रियागत प्रयास करना है, तब भी हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। और निश्चित रूप से हमने एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक बुला करके यह तय कर लिया है कि परीक्षाएं जल्दी से जल्दी करा करके सत्र नियमित करने का प्रयास होगा। ये थे हमारे साथ मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति, जिन्होंने कि बताया कि पिछले एक वर्षों में इन्होंने बहुत सी चीज़ों को सुधारा है। मगध यूनिवर्सिटी में ई लाइब्रेरी स्टार्ट किया गया है, मल्टीमीडिया सेंटर स्टार्ट किए गए हैं, पीएचडी का इंट्रेंस टेस्ट किया गया इस कोविड के दौर में, और इसका रिजल्ट भी 10 दिनों के अंदर आ जाएगा, और जल्द ही कोर्स वर्क वगैरह जो है, जो प्रक्रिया वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये सब बड़ी उपलब्धि में आती है मगध यूनिवर्सिटी के, जिसके बारे में हमें इन्होंने बताया, विस्तारपूर्वक बताया। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि चूंकि मगध यूनिवर्सिटी में गुणवत्ता पर इन्होंने विशेष तौर पे जोड़ दिया कि गुणवत्ता, मगध यूनिवर्सिटी की जो गुणवत्ता है उसको भी सुधारा जा सके, पढ़ाई की क्वालिटी को सुधारा जा सके, इन सब चीज़ों को इन्होंने काफ़ी पिछले एक सालों में इन्होंने जोड़ दिया, इस चीज़ को सुधारने को लेकर के मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति ने हमें बताया। कैमरामैन प्रकाश कुमार गुप्ता के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ वन इंडिया।